हापुड़ की गोल्ड मार्केट में स्थित साड़ियों के शोरूम में शनिवार की सुबह करीब 8:30 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 30 पानी की गाड़ियां और 35 दमकल कर्मियों ने साड़ी के शोरूम में लगी आग पर काबू पाया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि साड़ी के शोरूम में अग्निशमन मानकों की अनदेखी मिली। यहाँ आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण भी मौजूद नहीं थे। ऐसे में शोरूम के संचालक के खिलाफ जुर्माना लगाकर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि हापुड़ के मोहल्ला कोठी गेट जैन कॉलोनी निवासी रमेश वर्मा का गोल्ड मार्केट में मनीष साड़ी सेंटर के नाम से शोरूम है, जहां शनिवार की सुबह किन्हीं कारणों से अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास की दुकानों को भी खाली कराया गया। जांच में पता चला कि साड़ी के शोरूम में अग्निशमन मानकों की अनदेखी मिली। यहां आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण भी मौजूद नहीं थे। अधिकारियों का कहना है कि शोरूम मालिक के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा और उचित कार्रवाई भी की जाएगी।